व्हाट हैपेंस व्हेन 10.22, ये क्वेश्चन है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है? एन ब्यूटाइल क्लोराइड नंबर एक, ये है क्वेश्चन आपका 10.22। CH3, CH2, 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 Cl, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। अभी अभी आपने पढ़ा, जब हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, Cl और H जाएगा, यानी माइनस HCl चला जाएगा, ये Cl और ये H, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी CH3, CH2, CH, ये Cl जाएगा, ये H जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डन। प्लस KCl चला जाएगा एंड H2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नंबर दो, ब्रोमोबेंजीन मतलब ये है बेंजीन और ये है Br। ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनने की, यानी ग्रिग्नार्ड रिजल्ट बनने की मेथड है। Mg बीच में आ जाएगा, ये ऐसे MgBr, ये बन गया अल्काइल मैग्नीशियम, एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ग्रिग्नार्ड रिजल्ट बन गया। देन थर्ड है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, क्लोरो बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। तो ये बहुत ध्यान से देखना है, क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस तो होती नहीं, आपने पढ़ा है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है वहां पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है। अब हो सकता है मार्किंग स्कीम में कुछ दिया हो तो आप उसमें लिख दीजिए कि अगर इसको 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पर करेंगे तो फिर ये रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन जाएगा। पहले ही लिख दिए थे नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शन, बट अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने की बात तो नहीं लिखी है, इसलिए आपका आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन बाय चांस मार्किंग स्कीम में इसका ये भी दे दिया कि एलिवेटेड टेम्परेचर प्रेशर पे हो सकती है, तो आप उसको लिख दीजिए कि बट इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकम्स हाई वी कैन देन रिएक्शन कैन हैपन एंड फिनॉल विल बी द प्रोडक्ट। तो आप आगे उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। अगर इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH से ट्रीट किया जाए तो इथाइल क्लोराइड होता है यानी CH3CH2Cl प्लस एक्वस KOH, तो क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगा इसको, तो यहाँ बनेगा CH3CH2OH, है ना, प्लस क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड का मतलब हुआ, सॉरी ये क्लोरोबेंजीन के बाद था, इथाइल क्लोराइड ये फोर्थ था, है ना, ये वाला आपका था फोर्थ, ठीक। अब है आपका फिफ्थ, तो फिफ्थ में है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मिथाइल ब्रोमाइड का मतलब हुआ CH3CH2Br, सॉरी ये इथाइल हो गया, मिथाइल का मतलब हुआ एक कार्बन, तो मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्लस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये वुड्स रिएक्शन है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, NaBr चला जाएगा, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, इसके भी दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, तो -2 NaBr चला जाएगा और यहाँ CH3 CH3 यानी एल्केन इथेन बन जाएगा,
ठीक है बच्चे। द नेक्स्ट है सिक्स्थ, सिक्स्थ है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद केसीएन। तो सिक्स्थ है मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl ट्रीटेड विद केसीएन, तो प्लस केसीएन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ETOH ये रिएक्शन होती है, तो यहां बनेगा CH3CN प्लस KCl। चाहे हम ऐसे लिखें या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं CH3CN।